मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जिले में दो स्थानों पर संचालित सामुदायिक किचन के प्रबंधन, उपलब्ध इंतजाम सहित इसके संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की गहन समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों से इस संबंध में जरूरी पूछताछ की। केंद्र पर भोजन कर रही महिलाओं से सीधे मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने भोजन, इसकी गुणवत्ता सहित अन्य मामलों पर विस्तृत बातचीत की। इस क्रम में जिला के प्रभारी जिलाधिकारी सह एडीएम अनिल कुमार ठाकुर, सिविल सर्जन डॉक्टर एमपी गुप्ता, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता, एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर, एसडीपीओ पुष्कर कुमार, डीपीएम रेहान अशरफ, बीडीओ अररिया आशुतोष कुमार, सीओ अररिया गोपीनाथ मंडल, नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभारी जिलाधिकारी से जिले में कोरोना संक्रमण के अद्यतन स्थिति के बारे में पूछताछ की। डीडीसी मनोज कुमार ने फारबिसगंज में संचालित सामुदायिक किचन से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई। इसके बाद उन्होंने खाना खा रही महिलाओं से परोसे जा रहे भोजन व इसकी गुणवत्ता के बारे में सवाल पूछे। महिलाओं ने सामुदायिक किचन के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे भोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा है, इस वजह से भोजन के लिए जरूरी चीजों का जुटा पाना उनके लिए कठिन हो चुका है। ऐसे में सामुदायिक किचन उनके जैसे लोगों को दो वक्त का खाना उपलब्ध कराने में काफी मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री जी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक जिला में जो सामुदायिक किचन चल रही है वो सुचारू ढंग से चल रही है कि नहीं चल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अच्छे खाना मिल रहे हैं। कहा कि हो सकता है प्रशासन खाना पूर्ति के लिए किचन चला ही नहीं, इसलिए सरकार इसको अपने स्तर से निगरानी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री, इससे क्या लोगों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, और हम आग्रह भी करेंगे कि जो लोग ठेला चलाते हैं या जो लोग लेबर क्लास के लोग हैं या जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए सामुदायिक किचन है। उनसे आग्रह होगा कि आपको अगर घर में सब्जी नहीं है तो आप सुबह और शाम आके यहाँ खाना खा सकते हैं, यह सरकार की व्यवस्था है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फारबिसगंज महाविद्यालय थाना 6 तारीख से यहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। कम्युनिटी किचन उन लोगों के लिए है जो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले मजदूर, जिनको कोई अभी काम नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण और उसको भोजन की समस्या है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। बेसहारा और निराश्रित के लिए भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है और प्रतिदिन लोग भोजन कर रहे हैं। आज अभी तो भोजन करने बैठे हैं लोग, कल 58 लोगों ने भोजन किया था और लगभग 350 लोग अब तक भोजन कर चुके हैं।